ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। जी हाँ, देश में लंदन वाला ये हाईवे बनकर तैयार है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हाईटेक हाईवे को आपके नाम करने वाले हैं। यानी जल्द ही मिलने वाला है आपको देश के इस सबसे पहले ग्रीन हाईवे पर फर्राटा भरने का रोमांच। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट महज 500 दिनों में बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि लक्ष्य 910 दिनों का था। इसके बनने के बाद यूपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से आने वाले कॉमर्शियल वाहन अब दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे। मतलब दिल्ली के ट्रैफिक कंजेशन के बोझ को ये कम कर देगा और राजधानी की हवा 50% स्वच्छ हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे लंदन जैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से लैस है। ये हाईवे राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली यानी HTMS से भी लैस है। इसमें वेरिएबल मैसेज साइंस यानी VMS, CCTV, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम, चेतावनी उपकरण, स्पीड चेकिंग सिस्टम, फुटपाथ मैनेजमेंट सिस्टम और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लगाया गया है। इन सभी जानकारियों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल रूम में सेंट्रल सर्वर भी लगा है। किसी भी घटना के वक्त यहां अलार्म ट्रिगर खुद दब जाएगा और BMS संदेश देना शुरू कर देगा। इस एक्सप्रेस वे पर एंट्री के वक्त ही वाहन का वजन खुद ब खुद ही हो जाएगा। सुविधाओं की बात करें तो 6 जगह पर पेट्रोल पंप, मोटल, विश्राम गृह, वॉशरूम, दुकानें, रेस्टोरेंट व वाहन रिपेयरिंग सिस्टम भी मौजूद होंगे। एक्सप्रेसवे की दोनों तरफ आधा किलोमीटर की दूरी पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए गए। पूरे रास्ते बीच में जगह जगह बगीचे बनाए गए। रास्ते भर अलग अलग रंग के फूलों का दीदार आपको मिलेगा। पौधों की सिंचाई भी ड्रिप इरीगेशन के जरिए खुद ब खुद होगी। पूरे सफर के दौरान आपको हवा महल से लेकर कुतुब मीनार तक देश के 36 स्मारक इसी हाईवे पर देखने को मिल जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे ग्रीन इसलिए भी है क्योंकि इस पर लगी सभी लाइटें सोलर पावर से चलेंगी। इस आलीशान सफर के लिए आपका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है।